मेरा ये मानना है कि जो हार जाता है उसके चांसेस ज्यादा बड़े होते हैं लाइफ में बड़े सिंगर बनने के। ये कि रियलिटी शोज में कई बार ऐसा होता है कि सिंगर्स को बहुत प्यार मिलता है, बहुत ज्यादा। अब क्योंकि आपको एक अंतरा हो गया, ठीक ठाक टाइम हो गया है, तो ऐसा क्या होता है कि रियलिटी शोज के जो हीरोज होते हैं थोड़े टाइम के बाद फेड हो जाते हैं या उस लेवल पे गाने नहीं आते? हालांकि इंडियन आइडल में इस बार जो कंटेस्टेंट आए हैं वो ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह होती है? एक्चुअली क्या है ना, रियलिटी शो में आने के बाद ना पब्लिक का इतना प्यार मिलता है तो जो गायब हो जाते हैं ना लोग, तो वो थोड़ा सा ना दूसरे ट्रैक पर चल जाते हैं, वो अपने आप को शायद हीरो वीरो मानने लगते हैं, बिकॉज इतना लोग इतना फेमस हो जाता है ना रियलिटी शो में आने के बाद आदमी। अभी हम लोग ऊपर वाले के क्रम से अभी मैं अगर बाहर जाऊंगा ना तो पब्लिक ऑटोमेटिकली पहचान जाएगी और फोटो लेने लगेगी, तो कुछ लोग इसको दिमाग पे ले लेते हैं। तो बस मैं यही सबसे बोलूंगा कि ये अगर हम दिमाग पे लेंगे तो हम ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, इसको और हमें एनकरेज करना चाहिए कि और डबल मेहनत करनी चाहिए कि ये हमें मिला है इसको हमें बरकरार रखना है। मतलब चीजें हासिल करना आसान है, उसको मेंटेन करना ज्यादा टफ है। मेंटेन करना बहुत ज्यादा टफ है। तो मैं ऑफिस से 12-13 घंटे न्यूज पढ़ के मैं आकर रात को बैठ के हॉटस्टार पे लगा के सोनी लाइव पे और बैठ के मैं सर्च करके ढूंढता था, और आप लोग के जो मतलब बहुत सारे परफॉर्मेंस ऐसे थे जैसे कि पवनदीप का पहला जो सॉन्ग था शायद, उस टाइम तक मैंने अपना स्टेटस बना रखा था। वाह, अच्छा पवनदीप बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, मतलब मैं फैन हूँ उस बंदे का। पवनदीप कमाल आदमी है, वो हर चीज बजा लेता है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं छोड़ता है, कमाल है वो, कमाल। पवनदीप सीजन में सारे बच्चे कमाल आए, मेरे को ऐसा लगता है कि कहां से उठ के आए, मतलब इतना टैलेंट कूट कूट के भर के अपने अंदर टैलेंट लेके आए हैं सीजन के बच्चे। अच्छा आपको दुख हुआ जब अमित सर वाला शो हुआ था और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी हो गई कि जबरदस्ती तारीफ करना पड़ता है, इतना प्यार आप लोग को लोगों से नजर? नहीं नहीं सर, हमें कोई दुख नहीं हुआ, हम लोग तो बस अपना एपिसोड अच्छा करने के चक्कर में रहते हैं बस, और कैसे अच्छा गाएं। कंट्रोवर्सी तो मुझ पर भी बहुत सारी हुई है, तो वो तो चलती रहती है, वो तो एक लाइफ का पार्ट है, और इससे और ज्यादा हमें मतलब जोश मिलता है, जुनून मिलता है कि अब और अच्छा करना है। अच्छा तो शाहरुख फिल्म का एक डायलॉग था कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और ये डायलॉग मैं कह रहा हूं क्योंकि जितने रियलिटी शोज मैंने देखे हैं, मेरा ये मानना है कि जो हार जाता है उसके चांसेस ज्यादा बड़े होते हैं लाइफ में बड़े सिंगर बनने के। नहीं एक्चुअली हम में से कोई भी नहीं हारा, पवन की जीत ना हमारी जीत है, वो मेरा ये तो मोहब्बत आपकी है, ये आपकी मोहब्बत है अपने उसको लेके, बट एज अ व्यूअर हम जब बात करते हैं, नेहा कक्कड़ हारी आज सुपरस्टार है, अरिजीत सिंह हारे सुपरस्टार है, हमने देखा मोहम्मद इरफान को बड़ा सिंगर बने, जुबिन नौटियाल बड़े सिंगर बने, तो आपको नहीं लगता कि जो शाहरुख भाई ने कहा था हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं दानिश के साथ भी? बिल्कुल, देखो ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट इस बार ना ये रूल टूट जाएगा, ये रूल टूट जाएगा इस बार, बिकॉज हमारा भाई जो है वो छाने वाला है दुनिया पे, पवनदीप राजन जो है वो अभी छाने वाला है, इस बार तो ये रूल ना टूट जाएगा इंशाल्लाह, मैं दुआ करता हूँ कि ये रूल हमेशा टूटे। आई होप ऐसा हो, लेकिन अगर मैं अपना एनालिसिस बात करूं, पवनदीप एज अ ह्यूमन बीइंग सुपर्ब, पवनदीप एज अ म्यूजिशियन सुपर, आउटस्टैंडिंग, बट माइंड ब्लोइंग, बट आई थिंक जब सिंगिंग का है वहां मेरा फेवरेट दानिश या एक दो और आ जाते हैं, मतलब वहां मैं सेकंड थर्ड पवनदीप बुलाता हूँ। एज अ म्यूजिशियन एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट गाय, ऑलराउंडर, ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर, बट अगर स्पेसिफिकली केवल मैं गाने की बात करूं, जो मैंने आपको पहला टेक्स्ट भी किया था, सो आई थिंक माय वोट विल गो टू यू। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैया।